नमस्ते भैया। नमस्ते सर। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं एडवेंटा एंटरप्राइजेस कंपनी में एज ए रीजनल मैनेजर मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। और आज हम आपके खेत पे आए हुए हैं जिसमें आपने एडवेंटा कंपनी की हाइब्रिड गाजर केसरिया लगाई हुई है। तो सबसे पहले किसान भाई आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अतुल डांगी, ग्राम तिल्लोर बुजुर्ग से। कौन आपका मोबाइल नंबर भी बोलिए अतुल भैया। मेरा मोबाइल नंबर है 9009814242। अतुल भैया, आपने ये केसरिया जो लगाई है कितनी तारीख को बुआई की थी इसकी? सर ये नवंबर में लगभग लगाई की थी हमने। हाँ। करीबन 15 या 20 नवंबर को। ओके, तो 15-20 नवंबर को आज अपन देखें तो आपकी अभी 90 दिन की फसल हो चुकी है। तो अभी आने में 10-15 दिन लगेगी। 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और भी आपने दूसरी वेरायटी लगाई होंगी। हाँ। तो प्रचलित मात्रा में जो वेरायटी आपने दूसरी अन्य लगाई है उसकी तुलना में ये कितने दिन अर्ली लग रही है आपको? ये करीबन 15 से 20 दिन अर्ली लग रही है जी। और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। क्या क्या खूबियां लगी आपको केसरिया में? सर केसरिया में इसका सबसे मेन तो इसका कलर है जो, और इसका जो साइज वगैरह है, इसका पत्ते का देख लो आप, इसका गोथा देख लो, इसका सेंटर पार्ट देख लो, इसको उखाड़ने में देख लो आप। उखाड़ने में कैसी है? उखाड़ने में बहुत बेस्ट है, जरा सी में, क्योंकि इसका साइज एक मेंटेन साइज जो रहता है गाजर का, यूनिफॉर्म साइज। हाँ, एक जैसा साइज है, यूनिफॉर्म साइज है। जो कुछ गाजर आती है बहुत लेंथ में लंबी होती है, उनको उखाड़ने में वो टूट जाती है, उससे किसानों का नुकसान होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी साइज बहुत वेल है, इसका साइज, इसका गोता, इसका पत्ता, मतलब हर चीज में बेस्ट है गाजर। दूसरा, आपने जैसे मान लीजिए दूसरी वेरायटी से अगर 15 दिन अर्ली है तो किसान को इससे फायदा भी है, जैसे पानी कम लगेगा, मजदूर टाइम पे मिल जाते हैं, स्प्रे कम लग जाता है, मतलब एक टाइप जैसा है कि खेती से किसान बहुत जल्दी अर्ली 15 दिन फ्री हो जाएगा, जल्दी फ्री हो जाएगा। जब आपने इसका बीज बोया था तो बीज कैसा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका बीज बारीक था, इसका बीज 300 से 400 ग्राम कम लगा बीघा में, पर बीघा बता रहा हूँ मैं आपको, बीघा में कम लगा है। उसके बाद इसका जो बीज है ये एक मेंटेन साइज, जो मतलब बारीक साइज रहता है, उस साइज का था, एक जैसा था, एक जैसा पूरा बीज एक साइज था जी। और जर्मिनेशन में आप बताएं तो कितने परसेंट हमारा जर्मिनेशन था? वो ये मान लो कि आप जर्मिनेशन में 90 से 100% पूरा फुल जर्मिनेशन था जी। दूसरा कंपनी में, दूसरा कंपनी का मैंने ही उड़ाया वो खेत भी, दोनों खेत में मैं ही गाजर उड़ाता हूँ, तो उसमें अगर कंपेरिजन बताऊँ तो वो 50% कम हुआ इस साल। और उनका बीज भी कैसा मोटा? बीज बहुत मोटा था, फुल साइज बीज था उसका। और अगर आप, मैं पैसे की कंपेरिजन बताऊँ आपको तो वो 25,000 तक बीघा मेरे को पड़ा है, और ये अपने को पड़ा है 16,000 रूपए, 16,500 रूपए पर बीघा, एक बीघे का खर्चा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और अभी आप इसको कोल्ड में रखेंगे तो कोल्ड में रखने के बाद में भी हम आपका वीडियो बनाएंगे जिससे कि आने वाले समय में हम किसान भाइयों को उसको बता सकें। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आने वाले सीजन में आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को केसरिया के बारे में, केसरिया ही लगाएंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।